आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है, मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है, ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है, लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है।